शाजापुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात 11:30 बजे के लगभग रोजवास टोल के समीप ट्रक और बुलेरो वाहन के बीच में जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। दो व्यक्ति की गंभीर हालत होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इंदौर रेफर किया गया। भिड़ंत में बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बोलेरो में सवार लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। दुर्घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन वाहन में फंसे लोगों को निकालने के लिए 4-5 लोगों ने ही मदद, वे अन्य लोगों से भी मदद की गुहार लगाते रहे। शाजापुर से ब्रज राठौर की रिपोर्ट। कोई एक्सीडेंट का मामला आया? ये मक्सी के पास में बुलेरो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बुलेरो में लोग हाट बाजार करके उज्जैन से वापस शाजापुर लौट रहे थे। इसमें कुछ 11 लोग बैठे हुए थे, उनमें एक्सीडेंट होने से एक की मौत हो गई है और 10 लोग घायल है। दो गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। अभी इधर जैन पथ के यहाँ कोई दुर्घटना हुई है बुलेरो और ट्रक के बीच में, इसमें से 10 लोग घायल थे, उसमें से एक मृत हो गया, बाकी 4 रेफर हुए, बाकी का शेष का यही इलाज चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।